ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मंडल बांदा की, जहां बार बालाओं के साथ थिरकते हुए जिम्मेदार मंडलीय अधिकारी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते और पैसे लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको इन साहब की पूरी कुंडली बताएं। इसके पहले ये जान लीजिए कि ये मामला कब का और कहां का है। आपको बता दें, ये पूरा मामला 12 जनवरी का है। इस दिन इनके एक भरोसेमंद साथी रूपी ठेकेदार के बच्चे का 12वां कार्यक्रम था, जिसका आयोजन ठेकेदार के गृह क्षेत्र मतौंद थाना अंतर्गत खैरादा में हुआ था, जहाँ साहब भी आमंत्रित थे। यहाँ साहब बार बालाओं की खूबसूरती देख कर अपने पद की गरिमा भूल गए और मंत्र मुग्ध हो गए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि साहब जेब से नोट की गड्डी निकालकर बार बालाओं पर उड़ा रहे हैं। अब समझिए ये साहब हैं कौन और इनके पद की गरिमा कितनी है। आपको बता दें, ये साहब चित्रकूट धाम मंडल बांदा के भूमि संरक्षण विभाग के उप निदेशक हैं, जिनका नाम नरेंद्र कुमार है, और पूरे मंडल में लगभग एक दर्जन कार्यालय हैं, जिनकी ये अकेले कर्ता धरता है। इसके बावजूद ये अपने गरिमा को भूल गए और रासलीला में कहीं खो गए। जानकारी करने पर पता चला कि ये वीडियो 20 दिन पुराना है और इन वीडियोस को बनाने वाले और वायरल करने वाले इसी विभाग के कर्मचारी हैं, जो कि इन साहब की कारगुजारी से बेहद प्रताड़ित हैं, जिसके चलते ये वीडियो बनाए गए और मीडिया तक पहुंचाए गए। सूत्रों से भी पता चला है कि मृदा परीक्षण मंडली स्तर प्रयोगशाला में जहां पर क्लास 2 अफसर की सीट होती है, उनको दरकिनार कर खुद ही संभाल रहे हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि अपने प्रिय साथी ठेकेदार की बेटी के बरहो कार्यक्रम का पूरा खर्चा साहब नरेंद्र कुमार ने ही उठाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। हाँ, वीडियो की जानकारी अखबारों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से हमको भी हुई है। ये तस्दीक हुआ है कि ये वीडियो में जो चित्र दिखाया जा रहा है वो उपनिदेशक भूमि संरक्षण का है, नरेंद्र कुमार सिंह नाम है इसका। इस प्रकरण की आज ही जानकारी हुई है, इस प्रकरण की हम छानबीन करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। जो सत्यता मिलेगी उसके अनुसार इनके विरुद्ध, अगर सत्यता है तो इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे। जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़े अधिकारियों के इस तरह के वीडियो वायरल होना बेहद शर्म की बात है और उन्हें अपनी गरिमा का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए।